नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अरे ओ माखन, माखन, माखन! अरे काहे गला फाड़त है मामी? आए, अरे हम तो यहाँ लेटे थे, हम कहो का काम है बोलो। तूने शंकर भैया को देखा? शंकर भैया? या तो खेतन मा होई या फिर सकूल मा। तू जल्दी से शंकर भैया को बुला, बहू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? हाँ। ए मामी जरा हमको बताओ ये पेट ये दर्द कहाँ होता है बताओ हमको। अरे वो बुद्धू बच्चा होने वाला है। बच्चा? बच्चा? ए मामी हमको बच्चा दिखाई, हमको बच्चा दिखाई। अरे हुआ नहीं, होने वाला है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से शंकर भैया को बुला। अभी बुलाएंगे, अभी बुलाएंगे। ए मामी तू अपना पेट का दर्द पेट में दबा कर रखा, हम अभी शंकर भैया को बुलाते, अभी बुलाएंगे, अभी बुलाएंगे। यहाँ नहीं, यहाँ जाते, जल्दी जा। अभी बुलाएंगे। बोलो मामी बुला रही है। ओ शंकर भैया, अरे ओ शंकर भैया, ओ शंकर भैया। अरे अरे कहाँ छुप गया कठोर? ओ शंकर भैया, अरे शंकर भैया, यहाँ भी नहीं। माँ से गा से चुप करा, हम गधा नहीं है। शंकर भैया मामी के पेट में बहुत दर्द है। मामी को दर्द है? हाँ भैया पेट में बहुत दर्द है, बच्चा होने वाला है। बच्चा और मामी को? हाँ भैया पेट पकड़ के कहते हैं, हमारे पेट में बहुत दर्द है, बच्चा आवे का है। मामा कहाँ? मामा को नहीं, तुमको बुलाया है। मुझे? हाँ जल्दी चला शंकर भैया, चला 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 चला। बच्चा पेट में दर्द मामी, बच्चा पेट में दर्द मामी, मामी मामी। शंकर भैया आप आए, जल्दी से चल जाइए। बच्चा वो क्या बात कर रहे हो? ये तो क्या बकवास कर रहा है? मामी पेट में दर्द। अरे बुद्धू बच्चा मुझे नहीं हुआ, वो तो आपके यहाँ हुआ, बहू को। सच? हाँ अब जल्दी से घर जाइए। अरे मुबारक हो शंकर भैया, जल्दी जाओ। आरो आरो कैसी हो तुम? अब अच्छी हूँ। मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं वैसे तो डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन अरे हाँ बेटा है या बेटी? बेटा। अरे वाह 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 बेटे, बिल्कुल अपनी माँ की शक्ल लेके आया है। वैसा ही नाक, वैसे ही कान, वैसे ही आंखें, वैसे ही माथा, वैसे ही गाल। अरे इसके होंठ तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। पप्पी लो, चलो हटो बच्चे की। तुम्हारे मायके से आता तो चांदी से मड़ा हुआ ना होता। तुमने सुना नहीं, समझदार लोग तमाचा भी मारते हैं। तो मुंह देखकर क्या मतलब? कुछ नहीं,
तो मुन्नी के लिए टोपी ले आई। इनके एक दोस्त ने फ्रॉक का टुकड़ा भेज दिया। मुन्नी को और क्या चाहिए? मेरे वही अपने हैं जो मेरे मुन्नी को अपना समझे। एक बात पूछो, तुम्हारी माँ सगी है या सौतेली? अगर सगी होती तो बच्चा होने की खबर सुनकर तुम्हारे मुन्ने को देखने उड़ कर आ पहुंचती। माँ मजबूर होगी, जो नहीं आई, वरना माँ की ममता पर मुझे जरा भी शक नहीं। उसे कितनी खुशी हुई होगी मैं जानती हूँ। माँ बनकर मुझे पूरा अनुभव होगा कि माँ करती क्या होता। तुमने आप क्यों भर नहीं पा रहा? मैंने भी खामखा तुम्हारी माँ की बात छेड़ ली। मामी, जब से मुन्ना हुआ है माँ इतनी याद आ रही है कि मैं ढूंढ रही थी किसे बताऊं। उनसे कुछ कहते हुए डर लगता है कि कहीं अपने आप को कोसने न लगे। माँ की बात छेड़ कर तुमने अच्छा किया मामी, मेरे आंसू निकल पड़े और दिल हल्का हो गया। दिल को दिल से राह होती है पारो, तुम इतना याद करती हो तो तुम्हारी माँ आ निकलेगी किसी दिन। अच्छा हाँ, मैं चलूं। ओ महाराज यारा लेके चल। अरे चुप कर। अरे हम चुप का कर, हम काम भी करते गाते भी है भाई, गाना सुनो। अरे भैया काम करो मत आराम करो। हम मामा मेरी मुन्नी को नजर न लग जाए। चलो चलो बाहर चलते हैं। हाँ मेरा मुन्ना लजा। हेलो मुन्ना, तू जानता है कौवा क्यों बोल रहा है? मगर तू तो अभी बच्चा है, भला तू क्या जाने। जब कोई मेहमान आने वाला होता है ना तो ये कौवा उसके आने की खबर देता है। शायद तुझे भी कोई देखने के लिए आ रहा है। मगर मैं भी कैसी पागल हूँ, भला कौन आएगा तुझे देखने के लिए बेटा। मुन्ना कहाँ है? वो क्या खेल रहा है? मेरा लाल, मेरा जान। नहीं नहीं बेटे, कितना अच्छा है मेरा प्यारा। नहीं नहीं बेटे, नहीं रुदे। तेरे नाना नानी आए हैं ना, मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। नहीं नहीं बेटे, नहीं रोते। देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर है अपनी पारो का मुन्ना। लिए प्रताप ने समझदारी से ही काम किया जो स्टेशन से लौट गया। अपनों को नर कोई पड़ा हुआ देखकर किसे अच्छा लगता है? जिसे देखने आए थे उसे तो देख लीजिए। चलिए पारो, तुम इनके खाने का प्रबंध करो, मैं ताजा पानी लेकर आता हूँ। नहीं, बेटी के घर का खाना अधर्म की बात है। तो फिर कहाँ खाएंगे पिताजी? यहाँ तो कोई होटल भी नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो, हम स्टेशन पे ही खा पी के आए हैं, कल सवेरे जल्दी चले जाएंगे। आयुष्मान रहो बेटा, ये तो तुम्हारा शर्मन। आपका आशीर्वाद ही बहुत है पिताजी, रुपए लेकर मुन्ना क्या करेगा? तुम्हारे काम आ जाएंगे, और तुम्हें अपने लिए खर्च करते हुए लाज आती हो तो पारो के लिए एक साड़ी खरीद देना। आप भी हद करते हैं, हमें झुकना शोभा देता है, दामाद का अपमान करना नहीं। मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा माजी, मेरे बुजुर्ग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पारो का बिस्तर लगा दो, सफर में थकावट हो गई होगी, थोड़ा आराम कर लें। उठ जाओ बेटी,
मैं बताती हूँ। आप क्यों बनाएंगे माँ जी, आप चले आराम कीजिए। पारो को अपने हाथ से खिलाए, ऐसे लगता है जैसे एक युग बीत गया। आज आई हूँ तो अपने मन का चाव पूरा कर लो। बनाऊ माँ, आज मैं इतना खाऊंगी, इतना खाऊंगी। कहीं से मुझे तुम्हारे लिए चूरन लाना पड़ेगा। आओ बेटा, तुम बैठ जाओ। माँ जी, पहले पिताजी के लिए भर लेता हूँ। अच्छा बैठ। हमेशा काला टीका लगा दिया कर, बच्चे को नजर नहीं लगती। अच्छा माँ, लगा दिया करूंगी। मैं तुमसे आखिरी बार कहूंगा पारो, हमारे साथ चली चलो। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं पिताजी, यहाँ मैं इतनी सुखी हूँ कि दिन कैसे गुजर जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता। हाँ, तुम तो यही कहोगी, अपनी तकदीर अपने हाथों से बिगाड़ कर हार थोड़ी मानोगे। मैंने देख लिया है, पारो और शंकर दोनों आपस में बहुत खुश हैं। आप खामखा दुखी होते हैं। मैं क्यों दुखी होने लगा, अपनी मनमानी करने वाली संतान की दुर्दशा देखकर एक बाप कितना खुश होता है ये तुम क्या जानो। मुझे तो हमदर्दी इस मासूम से है जो अमीरी की गोद में पल सकता था लेकिन अपनी माँ बाप की जिद की वजह से वो गरीबी में पलेगा, मुफलिसी में पलेगा। पारो, तुम्हें इसके भविष्य का कोई ख्याल नहीं? क्या तुम इसके लिए भी इस नर्क को नहीं छोड़ना चाहती? आप इस घर को नर्क कहते हैं पिताजी, मैं तो इसे सुख और शांति का आश्रम मानती हूँ। मेरे मुन्ने का इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा कि वो अपने पुरखों की धरती और स्थान पर परवान चढ़े। तो यही पड़ी रहो, मैंने भूल की जो तुम्हें चलने को कहा, मैंने गलती की जो तुम्हारे यहाँ चला आया। आज तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। नहीं नहीं, बच्चों से जीत की जाती है क्या? अपने खून से क्या हार जीत? तो यही समझ लो कि मेरा खून सफेद हो गया। ऐसी मानी लड़की के दुख सुख से अब मुझे कोई वास्ता नहीं रहा। गाड़ी आ गई है पिताजी, चलो लक्ष्मी। ये सोचकर यहाँ लाई थी उनकी नाराजगी मिट जाएगी। ओ मामी, ओ ओ मामी, आती हूँ बाबा, आती हूँ। नहीं आके जा। पारो, तुम्हारी बहन की शादी है, नवेद आया। मेरी तो बहन है पर तुम्हारी भी तो कोई है। है क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ मेरे ही समझने से क्या फायदा, वो लोग तो हमें गैर समझते हैं। इसीलिए तो गैरों की तरफ से निमंत्रण ही भेजा है। देखो माँ ने अपने हाथ से लिखा है, पारो अपनी माँ के लिए आना बेटी, मुझे बुलाया है, चलोगे ना? तुम चलने के बारे में सोच रही हो? अजब है, अभी तक दिल नहीं भरा अपने लोगों से? अपनों से भी कभी दिल भरा है, कुछ भी क्यों ना हो, अपने माँ बाप है। 4 साल हो गए किसी की सूरत न देखी न अपनी दिखाई। शादी का मौका है, सभी अपने पराये आएंगे, मुलाकात हो जाएगी। चलते तो अच्छा। देखो पारो, अगर जाना ही है तो तुम खुद चले जाओ, मुझे मजबूर मत करो, क्योंकि वहाँ किसी को मेरी परवाह तो है नहीं जो मैं जाकर अपना मान बढ़ाऊं। और सच पूछो तो तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। छोटी बहन की शादी पर न गए तो लोग हंसेंगे नहीं,
करनी चोर नहीं कहेंगे? करनी का अगर ख्याल है तो जो तुम्हें देना है वो यहाँ से भी भेज सकती हो। सिर्फ इसके लिए वहाँ जाकर बेइज्जत होना ये काम किया तुम्हारी? माँ बाप के घर जाकर बेइज्जत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसे ही माँ बाप क्यों ना हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि बेटी दामाद की हतक हो या बेइज्जती हो। जो बाप बेटी के घर आकर जलील करने में कसर न करे वो भला अपने घर क्या लिहाज करेगा? यहाँ पिताजी ने जो कुछ भी कहा जलील करने के लिए हरगिज़ नहीं कहा, बल्कि अपनी बेटी के आराम और तकलीफ के ख्याल से कहा। उस पर भी तो हमने उन्हें मुंह भर के जवाब दे दिया और उनकी भावना की जरा भी परवाह न की। हमने तो आप ही उनके प्यार को ठुकराया और अब उसी ठुकराए हुए प्यार को तुम फिर से गले लगाना चाहती हो। इसलिए कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, माँ बाप का प्यार नहीं मिल सकता। और जिसके माँ बाप ही ना हो उस पे क्या गुजरती होगी? उसे मजबूरन सब्र करना पड़ता है। तो इसी तरह तुम भी सब्र क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी तो मेरे माँ बाप जिंदा है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं भी नहीं चाहूंगी, मजबूरन सब्र कर लूंगी। मारो। माँ ने इतने अरमानों से लिखा, चलो इसे बहाने दिल के मैल धुल जाएंगे, लेकिन इसे किस्मत ही कहा। माँ क्यों रो रही है? अपने माँ बाप को याद करते हैं। पर तुम अपने माँ बाप को क्यों नहीं याद करते? बेटे मेरी न माँ है न बाप। और माँ के? माँ भी है बाप भी है। तो फिर रोती क्यों भाई, चली क्यों नहीं जाती माँ बाप के पास? तुम चाहते हो तुम्हारी माँ अपने माँ बाप के पास जाए? हाँ। अच्छा लो भाई, बड़े साहब ने इजाजत दे दी, चलो कर लो तैयार। देखा मुन्ने, तुम्हारी माँ अभी तक रूठी हुई है, क्यों ना हो आखिर अपने माँ बाप के पास जा रही है। अब तो यह हम दोनों को घास भी नहीं डालेगी। मेरा सामान उतार लो। ये सब क्या है? क्यों, कामनी के शादी में नहीं जाना है क्या? मगर ये सब आया कहां से? सावित्री तुम्हें तो मालूम है अपना सब दिखावा ही दिखावा है। पुराने चौक का मकान बेचकर ये सब सामान तुम्हारे लिए लेके आया हूं। इतनी सारी चीजें क्यों? हाँ, और देखो ये तुम्हारे लिए नथ लेके आया हूँ। नथ? हाँ। और मेरे लिए? हाँ। हाँ। क्या कीमत होगी? कीमत ना पूछो, जरा पहन के दिखा दो, बहुत कीमती है। जरा सारे मेहमान हैं, मगर मेरी आंखें तो दरवाजे पर ही लगी हुई थी कि तुम कब आएंगे। माँ जल्दी से तैयार हो जा, मंदिर जाना है। ले अपनी जिम्मेदारी समझ। इतनी देर हो गई दीदी और अभी तक तुम तैयार नहीं? मैं तो कब से तैयार हूँ। चुप चुप चलो। लेकिन तुम? मैं तो एकदम तैयार हूँ दीदी। छी 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 छी, इन सादे कपड़ों में खानदान की इज्जत का तमाशा दिखाना है क्या? लो इसे पहन लो। रहने दो दीदी, दूसरों के कीमती कपड़े पहनने से मेरी गरीबी नहीं छुप सकती। क्या यही पहनकर तुम गई तो मेहमानों के सामने क्या इज्जत रही? सादे कपड़ों से इज्जत नहीं आंकी जाती दीदी। अगर तुम्हारी शान में कोई फर्क आता हो तो मैं चार कदम दूर रहूंगी, और अगर कोई पूछे तो कह देना घर की नौकरानी है। भुट्टे बेचने वाले का मिजाज, मैं प्यार से अच्छे कपड़े पहनने को दे रही थी, तुर्रा दिखला कर चली गई। ऐसे तो कोई पूछेगा भी नहीं, मगरूर कहेंगे। सुनो क्या है, तुम अपने घर वालों के चक्कर में पड़ी रहोगे कि मेरी इज्जत का भी कुछ ख्याल करोगे? आखिर हुआ क्या? आखिर हुआ क्या,
वो भुट्टे बेचने वाला हमेशा मेरी बगल में आके बैठ जाता है। मैं उसके साथ खाना नहीं खाऊंगा, समझी? अच्छा अच्छा